अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं YouTube चैनल, मैं हूं हाफिज कफायत। तो आज का नुस्खा जो है नाज़रीन, ये है जिंसी मसाइल यानी मर्दाना अमराज, खासकर नौजवानों में ये खौफ एक ज़हनी और नफ्सियाती भी होता है और कुछ हज़रात वाकई ही इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। टाइमिंग की कमी, सूरत अंजाल जिसको कहते हैं, सही तरीके से इंतशार का ना आना, सख्ती का नफ्स में ना आना। तो मर्दाना जितने भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज ये नुस्खा आपको खुश कर देगा, आप खुश हो जाएंगे। तो ये नुस्खा आप खुद तैयार करें, ये चीजें लिख लें, नोट फरमा लें नुस्खे के अज्जा, और खुद ला के पिंसार स्टोर से इसको खुद तैयार करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज आप हैरान होंगे इस नुस्खे की अफादियत और इसकी रिजल्ट से। सालब मिस्री, पहली चीज है सालब मिस्री, ये आपने 20 ग्राम, और सालब पंजा भी 20 ग्राम, मूसली सफेद और मूसली स्याह, ये दो किस्म की होती है, एक मूसली सफेद और दूसरी मूसली स्याह, दोनों आपने अलग अलग 20-20 ग्राम लेनी है। इसी तरीके से जाफरान अच्छी किस्म का हो और एक्सपायर भी ना हो, खालिस जाफरान 10 ग्राम। कॉम्पल बरगद यानी बोर्ड का जो दरख्त होता है, बोर्ड के दरख्त की जड़ आपने लेनी है, उसको बोलते हैं हिकमत की जबान में कॉम्पल बरगद। कॉम्पल तो सिंघाड़ा 20 ग्राम। ये तमाम चीजें जो हैं 20 ग्राम, और इसके साथ छिलका इसबगोल भी आपने 20 ग्राम लेना है। ये तमाम चीजें सफूफ बना लें, बारीक पीस के इन सारी चीजों को ग्राइंड करके इनका आपने सफूफ तैयार करना है। ये आपका नुस्खा मर्दाना कमजोरी, सूरत अंजाल, टाइमिंग, सख्ती, इंतशार का और शहवत का ना आना, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, सादा सा। तो इसकी खुराक और मकदार जो है आधा चम्मच, बड़ों के लिए आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और आधा चम्मच शाम। दूध के साथ अगर आप दो वक्त भी इसको इस्तेमाल कर लें, सुबह और शाम दूध के साथ, तो इंशाअल्लाह उसकी भी आपको पूरी अफादियत और पूरा इसका रिजल्ट जो है वो महसूस होगा। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।